यार तो ये वाला वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। इस वाले वीडियो में मैं चार गेम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आप आफ्टर पबजी बैन खेल सकते हो ऑब्वियसली। तो ये वाला वीडियो मैं कुछ अलग ही टॉपिक पे बना रहा हूँ। अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो और भी चाहिए तो भाई मेरे को सपोर्ट करो, कमेंट में देखो कि हाँ चाहिए तो मैं और बनाऊंगा ऐसे वीडियोस। तब तक के लिए भाई वीडियो देखो, एंजॉय करो, लाइक शेयर ज़रूर करना चैनल को। यार तो नंबर 1 में आता है फ्री फायर। भाई ये गेम अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसके ग्राफिक्स भी अच्छे है और ये गेम भी अच्छा है। काइंड ऑफ ये पबजी का ही है, जो बैटल रॉयल्स गेम है वैसे की तरह ही है। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो बैटल रॉयल है उसमें 50 लोग आते हैं, 50, सिर्फ 50 लोग। पबजी में जैसे 100 लोग आते हैं, इसमें 50 लोग आते हैं, लेकिन फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। और इसमें बहुत सारे गन्स भी है। एक मैं इसके बारे में अच्छा बात कहना चाहता हूँ कि इसकी जो गन्स क्वालिटी है, फिर इसकी जो स्कोप्स है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक ख़राब चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, इसकी जो ग्राफिक्स है वो थोड़ी सी डिग्रेड है, मतलब डिक्रीज किया है। और इसकी जो कंट्रोल्स है ना, बहुत दर्द करने लगेगी। अब अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खेलोगे इस गेम को, तो बहुत दर्द करेगी अपनी उंगलियाँ, क्योंकि इसका जो स्क्रीन है सेंसिटिविटी बहुत हाई। अगर आप फुल भी कर दो तो भी नहीं हिलता स्क्रीन, नहीं हिलता, आपको बहुत उंगली घस घस के हिलाना पड़ता है। तो वो एक प्रॉब्लम मेरे को फेस हुआ था इस गेम को खेलने टाइम। और एक और प्रॉब्लम है कि इसका जो नेट है भाई, वो स्टेबल नहीं रहता। कितनी भी अच्छी नेट है आपकी, लेकिन इस गेम पे नेट स्टेबल नहीं रहता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस गेम की, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम इस गेम की नहीं है। हाँ तो ओवरऑल मैं इस गेम को 8-10 में से देता हूँ। 8-10 में से मैं इस गेम को देता हूँ, क्योंकि सभी अच्छा है लेकिन उस ग्राफिक्स का प्रॉब्लम और नेट स्टेबल नहीं रहता, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये गेम आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यार तो नंबर 2 में आप सभी को पता है क्या आने वाला है, और ये गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। भाई ये अभी तक का सबसे ज़्यादा जो बीट कर सकता पबजी को वो यही गेम है। भाई ये गेम बहुत अच्छा है, इसके ग्राफिक्स नो डाउट ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है, एकदम हाई पे आप खेलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लैग नहीं। और इसकी जो स्मूथनेस सेंसिटिविटी फार अवे, फार बेटर देन अदर गेम्स यू कैन ट्राई। और ये वाला जो गेम है भाई, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और मैं पबजी की रिप्लेसमेंट पे ये कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ। ये बहुत अच्छा गेम है, इसके ग्राफिक्स टॉप नॉच ग्राफिक्स है, कोई डाउट नहीं है इसके ग्राफिक्स के लिए। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो बैटल रॉयल है वो आपको लेवल 7 तक नहीं खुलता। लेवल 7 तक आपको मल्टीप्लेयर खेलना पड़ता है, इसका जो मल्टीप्लेयर है उसके बाद इसका बैटल रॉयल खुलता है, जो कि मुझे लगता है कहीं कहीं से अच्छा भी है, कहीं कहीं से बुरा भी। क्योंकि जो नए प्लेयर्स हैं वो लोग मल्टीप्लेयर को पहले खेल के सीखेंगे, फिर वो बैटल रॉयल खेलेंगे, तो उनके लिए ठीक है। और जो जो अभी पहले से ये सब बैटल रॉयल्स गेम खेलते थे, उनके लिए तो ये भाई बच्चा चीज़ है, तो उन लोग खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले आपको मल्टीप्लेयर खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही लेवल 7 होने के बाद, 7 या 6 शायद 7 था, हाँ 7 होने के बाद ही आप बैटल रॉयल आपका खुलेगा। और इसके जो बैटल रॉयल है उसमें 100 आ जाते हैं, 100 लोग आ जाते हैं जैसे पबजी में आता था। और इसके गन्स बहुत अच्छे हैं, स्कोप बहुत अच्छे है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं है। नेट भी स्टेबल रहता है, कभी कभी डिग्रेड होता है नेट, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है नेट से कोई इशू नहीं है इस गेम पे, मेरे का तो कोई इशू नहीं आता। और इस गेम का जो भाई फायरिंग बटन है ना, उसमें देखो 2 फायरिंग बटन है, एक में से जब अगर आप फायर करो तो ADS ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और दूसरे में अगर आप फायर करते हो तो सिर्फ फायर होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा, जब भी मुश्किल में हो या फिर अगर आपको स्कोप और जो ये फायर है वो एक साथ दबाना नहीं आता, तो सिर्फ फायर के बटन को दबाओ और स्कोप भी खुल जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे जो भी पसंद है इस गेम पे वो यही ज़्यादा था कि स्कोप एक साथ खुलने का, ADS और फायर बटन एक साथ दिया हुआ है। देखिए सेकेंड नंबर का जो छोटा सा बटन है वो है, तो वो वाला मैं जैसे ही दबाता हूँ वैसे ही ADS और फायरिंग एक साथ होने लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ख़राब चीज़ मुझे इस गेम की कुछ भी नहीं लगी, कुछ भी ऐसा कुछ ख़राब नहीं है इस गेम का, सभी टॉप नॉच है। तो भाई इस गेम को मैं 9
देना चाहता हूँ 10 में से 9 इस गेम को डिजर्व करता है, ये गेम डिजर्व करता है भाई ये। तो जरूर से आप ये गेम ट्राई करिए, और मुझे लगता है ये गेम बेस्ट है पबजी के रिप्लेसमेंट में। आई वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो दैट द नेक्स्ट गेम प्ले इज टेकन फ्रॉम दिस गाइज चैनल। गो एंड सब्सक्राइब हिज चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड सब्सक्राइब दिस गाइज चैनल। तो नेक्स्ट जो हमारा गेम प्ले है वो है फोर्टनाइट का, और इस गेम के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये है ही लेजेंडरी गेम भाई। ये एक ऐसा लौता गेम है जो कि भाई सभी जानते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत अच्छा गेम है। आपको तो पता ही है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपके लिए खेलना बहुत मुश्किल है, अगर आप iOS यूज़र हो तो आप इसे बहुत फटाक से खेल सकते हो। आपके ऐप स्टोर में ये मिल जाएगा गेम, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप ये गेम नहीं खेल सकते। हाँ खेल सकते हो, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा खेलने के लिए, या फिर तो आपको एक ट्रिक है जो कि बहुत ही क्या बोलूँ ट्रिकी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो उस ट्रिक को आजमा के आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मुश्किल है। और इस गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे है, ओवरऑल ये गेम बहुत ही अच्छा है, इसके कोई भी खराबी नहीं है इस गेम के। और यहाँ पर ये भी एक बैटल रॉयल गेम प्ले है, और भाई अच्छी गेम प्ले है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड्रॉयड यूज़र आप जल्दी से जाओ यूट्यूब पे सर्च करो कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं फोर्टनाइट, और डाउनलोड करके खेलो। अगर आपको पसंद है तभी खेलना, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत खेलो भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और हाँ iOS यूज़र भी पसंद आए तो भाई खेल सकते हो। और हाँ बस यही था, ये गेम बहुत ही अच्छा गेम है, मैंने कभी नहीं पर्सनली ट्राई किया, और अगर कभी मौका मिले तो मैं भी ट्राई करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। गाइस आई वॉन्ट टू लेट यू गाइस नो दैट द नेक्स्ट गेम वॉज टेकन फ्रॉम दिस गाइस यूट्यूब चैनल, द लिंक इज गिवन बिलो, गो एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। हाँ तो जो नेक्स्ट हमारा गेम है इसका नाम है होपलेस लैंड फाइट फॉर सर्वाइवल। ये एक ऐसा गेम है जो कि पबजी और फ्री फायर का मिश्रण है भाई। ये गेम बिल्कुल भी उतना टॉप लेवल का गेम नहीं है, और ये जो गेम है थोड़ा सा पबजी पीसी और फ्री फायर से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और इस गेम का ग्राफिक्स भाई उतना टॉप लेवल नहीं है जो कि पहले वाले गेम का था, और इसका जो कैरेक्टर है वो भी उतना रियलिस्टिक नहीं है एज द गेम प्ले ऑफ फ्री फायर एंड पबजी एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ उनके तो ऑब्वियसली अच्छे थे, फोर्टनाइट के भी अच्छे थे, लेकिन इस गेम का उतना अच्छा नहीं है। और इस गेम पे जो क्या बोलो गन्स है वो गन्स भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ शॉर्ट गन्स ज़्यादा आती है और कुछ कुछ एयर गन्स आती है, ज़्यादातर आसमान में हेलीकॉप्टर्स आती है, और इसके अलावा इस गेम पे ज़्यादा कुछ नहीं है। गाड़ी भी व्हीकल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कि जैसे फ्री फायर पबजी में आता है बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, इसमें वैसे नहीं है। ये वाली कार और कुछ ही कार आती है इस गेम पे। और ग्राफिक्स तो भाई उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा, और गेम प्ले भी उतना अच्छा नहीं लगा। इसमें 100 जोन आते हैं, 100 लोग आते हैं इस गेम पे एक साथ एक ही मैच पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये गेम उतना टॉप लेवल नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है ये गेम भाई तो आप ज़रूर से इस गेम को खेल सकते हो। मैं आपको कुछ नहीं बताऊँ कि हाँ भाई ये गेम ना खेलो वो गेम खेल, अगर आपको पसंद है आप ये गेम खेल सकते हो। और मैंने ये वीडियो बनाया है उसके लिए कि मैंने इस गेम इस वीडियो में मैंने 4 गेम्स के बारे में बताया, और आप उन 4ों में से कोई भी गेम या फिर 4ों में 4ों ही ट्राई कर सकते हो, कोई बात नहीं आता, आपकी जो मर्जी आप वो करें। तो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको पसंद है भाई सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर करो, और मेरे को सपोर्ट करो भाई, दिल से सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ भाई, अभी चाहता हूँ आपका सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट करो। तो भाई होप यू गाइस वेल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट यार। तो जाते जाते इंस्टाग्राम भी फॉलो करते जाओ, इंस्टाग्राम बेचारा क्यों मिस जाएगा, हर वक्त की तरह इंस्टाग्राम पे जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ है, सबके लिंक्स दिया हुआ है, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। मैं वहाँ पर मेरी डेली लाइफ और थोड़ी सी अपडेट्स में जाते रहता हूँ, अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो जाओ इंस्टाग्राम पे।